खरगोन मुख्यालय पर बलराम जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हुई महारैली सभा और ज्ञापन के दौरान आक्रोश देखने को मिला। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग को लेकर कार्यालय के बाहर सड़क पर धरना शुरू कर दिया, जिससे चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर आवाजाही थम गई। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी धरना करने के बाद भी जब कलेक्टर नहीं पहुंचे तो किसानों ने अपने शर्ट और बनियान उतारते हुए अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के बढ़ते आक्रोश से प्रशासन सहित पुलिस अमले की सास से फूलती नजर आई। कृषि उपज मंडी में महती सभा के दौरान बतौर मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पहले अल्प वर्षा अब भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। किसान प्रकृति की मार से बेहाल हैं। सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है, पटवारी हड़ताल पर है, सरकार सर्वे कराने के बजाय चुनाव में लगी है। कक्का जी ने आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री को विनाश पुरुष बताते हुए कहा कि ये विनाश करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जो आज आपने दिए आपको भी घनश्याम पटेल जी ने कि 110 करोड़ लोगों का पेट पालने का काम हमारा डिपार्टमेंट कृषि विभाग करता है, कृषि का क्षेत्र करता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पटवारी हड़ताल पर है, सर्वे कैसे होगा? नर्मदा मैया की बाढ़ से मोटर बह गई, पाइप बह गए, फसलें सोयाबीन की सड़ गई, भारी नुकसान हुआ है, सर्वे हो नहीं पा रहा है, सर्वे करने वाले हड़ताल पर है और सरकार चुनाव में लगी। उसे कोई चिंता नहीं है, आपकी छोड़ दिया है, जिसकी एक मोटर से नहीं 10 हाउस पावर की उसको कम से कम 5,000 की जोड़ सकती, सब तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गई खेती बाड़ी पूरी। मगर सरकार की जू नहीं निकली। 18 वर्ष 7 माह की सरकार थी, उस सरकार ने आज तक समय पर सर्वे नहीं कर पाई, इतनी निकम्मी सरकार थी। मैंने शिवराज से कई बार कहा कि तुम समय पर सर्वे करा ही नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हो, डरपोक मुख्यमंत्री हो। खेत में सोयाबीन भरा में पानी भरा हुआ, सोयाबीन सड़ गया, सर्वे नहीं हो पाया, खेत सूख गया, सर्वे का किसान इंतजार नहीं करेगा, वो ट्रैक्टर चलाएगा, खेत पर गएगा, अगली फसल बोएगा, तब तक ही तुम्हारा सर्वे नहीं हो पाता। आदर्श मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होता है कि जिस दिन किसान को नुकसान हुआ है उसके उसी दिन हमारे एमपी का चीफ सेक्रेटरी को खबर दी जाती है कि डोजियर जारी करो भारत सरकार को कि मेरे प्रदेश में 10,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो सरकार तत्काल कुछ राहत राशि भेजती है। ना ये डोजियर जारी करते हैं, ना केंद्र सरकार से मांग करते हैं, भाषण में कोई कमी नहीं है, भाषण में और झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। लाड़ी बहना बहना चिल्ला रहे होगा, लाड़ा जीजा हत्या कर रहा है, तो भैया लाड़ला जीजा की भी चिंता करो, लाड़ले साले की भी चिंता करो, लाड़ले फूफा की भी चिंता करो। 5 लाख लाड़ले जीजा फांसी लगा के शहीद हो गए, मर गए, तो 5 लाख तुम्हारी बहने विधवा हो गई उनकी, तो बहनों को विधवा करना चाहते हो और ला रही बहन को बोल रहे चुनाव के टाइम पे 1,000 रुपया दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? बहने नहीं जानती, ये केवल बहनों को आप बहने भावना सेंटीमेंटल होती है, भावना होती है, उनकी भावनाओं को आप ठगने का काम कर रहे हो। 18 साल 7 महीने की सरकार में आप कहां थे? आपने क्यों नहीं बहनों की चिंता करी? मैंने कहा शिवराज से, बहन हमारी है, उसकी चिंता हम कर लेंगे, पिताजी हमारे हैं वृद्ध, उनको तीर्थ यात्रा हम करा देंगे। देखिए पटवारी हड़ताल पर है, सर्वे हो नहीं पा रहा है, बाढ़ से किसान पीड़ित हो चुका है, अनाज सड़ गया है, मोटरें बह गई हैं और ये सरकार अभी तक सर्वे नहीं कर पाई। जब सर्वे नहीं कर पाएगी तो उसका जो मुआवजा है वो कैसे तय करेगी? मंडियां हड़ताल पर है, कपास बिक नहीं रहा है,
सोयाबीन का समर्थन मूल्य अभी तक तय नहीं है, न वो कभी करते। तो ये मंडियां बंद है, कपास की मंडी बंद है, अनाज की मंडी बंद है। सर्वे कैसे होगा? पटवारी हड़ताल पर 28 तारीख से चल रहे लगातार। तो सरकार चुनाव में लगी हुई है, तो सरकार को चाहिए कि वो अविलंब किसानों का सर्वे कराए और मुआवजा राशि का वितरण करे। आपने कहा सरकार भ्रष्ट है। हाँ, देखिए इसके लिए मैं आपको, इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार पूरे देश में नहीं है। नहर घोटाला, पौधे घोटाला, बीज घोटाला, नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक, कोई ऐसा क्षेत्र बकाया नहीं है हमारे पास जिसके प्रमाण है। व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, ये तो घोटालों घोटालों की सरकार है, तो उसमें भ्रष्ट होगी और इसके प्रमाण है। और उस सरकार में थोड़ी सी भी वो है तो मेरे खिलाफ जाए कोर्ट में, मैं बता दूं कैसे घोटाला इनका। और ये जो चुनाव हो रहा है, जो एक खास बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये चुनाव विकास पुरुष और विनाश पुरुष के बीच में हो रहा है। हम किसी पार्टी के नहीं है, पर डेवलपमेंट की बात करता है कमलनाथ। और ये केवल घोषणा भी है, इन्हीं की पार्टी के सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा है उज्जैन में, ये घोषणा भी है। अब गप्पों से काम नहीं चलेगा, टेक्निक से सरकार बनाना आसान परंतु सरकार चलाना कठिन काम। लाडली बहनों को अचानक इलेक्शन के समय पर 1000 रुपए देने की बात करना, ये तमाम घोषणाएं करना, ये क्या इशारा करती है? 18 साल 7 महीने आप क्या करते रहे जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? इस बीच में किसान का कोई माई बाप नहीं है मध्य प्रदेश में। ये जो आपका गूगल मैपिंग है, गूगल मैपिंग में किसी किसान की जमीन यहाँ थी तो कहीं और निकल रही है, कहीं यहाँ थी तो यहाँ निकल रही है। किसानों के बीच में आपस में विवाद खड़े हो रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। अभी देखिए हर चीज किसान बना पाता, मैंने WTO आया, जंगल आया, गेट आया, RCEP आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया, ये बड़े बड़े कानून है जिस पर एक एक घंटा अरे एक काउंट में बोलना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे 60 देशों के साथ हमारे देश ने किया है, उसके कारण बाहर से माल आएगा कृषि उत्पादक, तो मेरे देश का किसान का माल कौन देगा? उसका भी हम विरोध करते हैं। ये ढेर सारी चीजें हैं, विचारणी है। आज पूरे देश में 5,76,000 किसान इन 5 वर्षों में सुसाइड कर चुका है। तो 5 लाख किसान 76,000 सुसाइड किया है, तो 5 लाख लाडला जीजा तो चला गया ऊपर ना, बहन को विधवा कर रहा है। एक तरफ बहनों को तुम विधवा कर रहे हो, एक तरफ 1000 रुपये दे रहे हो। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी केवल 2 मांगे हैं, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और कूड़ा दान। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको सम्मान निधि नहीं अपमान निधि है। 6,000 रुपए आप दे रहे हो किसान को, एक परिवार के व्यक्ति को 1 रुपया पड़ता है महीने में, वो हमको नहीं चाहिए। किसी प्रकार की खैरात नहीं चाहिए, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको केवल हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए, ये हमारी इच्छा है। सभी फसलों का वाजिब दाम चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।